भाई ये है BS6 बाइक, जो कि आपको पता ही है इसमें फ्यूल पंप होता है और इसमें थ्रोटल बॉडी होती है। अगर फ्यूल पंप ख़राब हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान और बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि ये क्या हो गया, हमारी बाइक में फ्यूल पंप ख़राब हो गया। और फ्यूल पंप बहुत ज़्यादा महंगा आता है, काफ़ी सारे भाइयों को पता नहीं है। इस फ्यूल पंप में कुछ ऐसी खास बात होती है जो आप ख़राब फ्यूल पंप को भी ठीक कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे फ्यूल पंप हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है, बट इस फ्यूल पंप में ऐसा हो जाता है। क्या होता है ये मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाई दूंगा। इस फ्यूल पंप के अंदर हो क्या रहा है, ये गाड़ी मिसिंग कर रही है, या फिर एक तरीके से कह लो ये आपके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना के दी है आपको फ्यूल पंप किस तरीके से रिपेयर कराना है। तो अभी मैं सारी की सारी चीज़ों को साइड करते हुए सबसे पहले फ्यूल पंप को बाहर निकालता हूँ, और फ्यूल पंप किस तरीके से बाहर निकाला जाता है ऐसी आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकली वे में, ताकि आप फ्यूल पंप बाहर निकालते समय फ्यूल पंप को तोड़ ना दो, ख़राब ना कर दो। फ्यूल पंप को बाहर निकालने से पहले हमें पेट्रोल को निकालना पड़ता है, और पूरी ही बाइकों में, हिंदुस्तान में जितनी बाइक है ना, सबसे ज़्यादा आसान ये बाइक है जिसमें हम पेट्रोल आसानी से निकाल सकते हैं। आपके फ्यूल पंप के ऊपर के दो पाइप निकालने हैं और आप आसानी से फ्यूल पंप से पेट्रोल निकाल सकते हो, मतलब पेट्रोल से पेट्रोल बाहर निकाल सकते हो पेट्रोल टैंक से, ठीक है। अब होता है हमारा ये लॉक, ज़्यादातर मैकेनिक फ्यूल पंप को बाहर निकालते समय लॉक तोड़ देते हैं और वो खोल नहीं पाते, तो बहुत ही सिंपल है, पिन ब्रिज के अंदर डालो और हल्का सा ऊपर खींचो, आपकी क्लिप ये बाहर हो जाएगी। उसके बाद इस क्लिप को हल्का सा साइड से निकालो और हल्का सा लेफ्ट साइड से निकालो, और ये क्लिप बिल्कुल बाहर आके निकल जाएगी, ठीक है। यही क्लिप, यही ऐसी क्लिप है जिसकी वजह से हमारा ये फ्यूल पंप का जो इंजेक्टर बॉडी से लगा होता है ना, ये हमारा जो पाइप होता है लॉक होता है। तो इस पाइप को हम कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम उसके बाद इसके और भी जो वायर्स वगैरह हैं उसको क्लीन तरीके से लगा देंगे। पिन पिचकस की मदद हमें इसमें करनी होगी, मतलब पिन पिचकस लगता है क्योंकि इसकी जो क्लिप ऑन होती है वो हमें इन टाइप इन साइड करनी पड़ती है एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारी ये वायरें वगैरह बाहर आ जाती हैं। अब बात आती है अंदर एक और कपलर होता है जो हमारे फ्यूल पंप का मेन कपलर होता है, तो उसको भी हमें पिन पिचकस की मदद से खोलना होता है। बहुत ही सिंपल वे में आप उसको हल्का सा उस वो अंदर की तरफ मैंने आपको दिखाता हूं मैं, उसमें एक थोड़ा सा बटन टाइप का उसे दबाओगे आप, उसके बाद उसे बाहर खींचोगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। पंप गाड़ी से अलग कर दिया है, पेट्रोल भी निकाल लिया, 2 लीटर पेट्रोल उसमें था। अभी ये जो फ्यूल पंप देख रहे हो अब ये बिल्कुल हड्डी की तरह लगा होगा। अब इसके ना ऊपर एक कवर लगा होता है, उस कवर के अलग करने के लिए हमें ये देखो ये रबड़ देखो, ये रबड़ हमें अलग करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इस रबड़ को निकाल लेता हूं, ये साइड जो कवर लगा होता है उसकी रबड़ होती है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा दबाना है अंदर, मेरे नेल पर मत जाना भाई, थोड़ा सा नेल की जरूरत पड़ जाती है इसलिए हम बड़े रखते हैं। ये हल्का सा मैंने इसको अंदर किया और ये हमारा, अरे निकल जा भाई, ये हमारी ऐसे रगड़ के रबड़ बाहर आ जाएगी। थोड़ी सी मशक्कत हो रही है इसके अंदर, बट आप इसको पिन पिचकस की मदद से भी लगा सकते हो, बट मैं इसकी ज़रूरत नहीं करती। ये देखो निकल गया ना बाहर, अब ठीक है। अब मैंने इस रबड़ को रख दिया यहाँ, और देखो ये इस ट्रे को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये जो है यहाँ की रबड़ निकल गई, अब इसको यहाँ ना लॉक को रखा होता है, देख लो इस लॉक को थोड़ा सा पीछे करना है मुझे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब जब मैं इसको पीछे करूँगा कुछ इस तरीके से, फिर ये हमारा बाहर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा फ्यूल पंप का जो कवर है ये इसमें से निकल गया, हमारा फ्यूल पंप ये निकल गया, ठीक है। अब ये हमारा मेन फ्यूल पंप है। अब यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, देखो ये वाला जो एरिया ना ये सील्ड है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये है हमारा ऑयल फिल्टर वाला एरिया, तो हमें यहाँ पे लॉक देख रहे हो, इसमें बोल्ट वगैरह पेच वगैरह कुछ नहीं होते, ये लॉक है और ये लॉक है और ये लॉक है, तो 1, 2, 3 ये टोटल 3 लॉक हैं, हमें 3 लोगों को अलग करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम इस लॉक को अलग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हल्का सा ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये हमारा लॉक खुल गया, ठीक है। उसके बाद ये हम कर देंगे इसको इस तरीके से, बहुत सिंपल है, अगर आप चाहो तो खुद ही भी कर सकते हो घर पर चाहो तो। उसके बाद ये वाला लॉक जो हमारा बचता है हम इसको इस तरीके से कर देंगे, और उसके बाद हमारे लॉक धीरे धीरे पीछे आते रहेंगे ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये हम इसको एकदम से, ये ना बक्कल की तरह अंदर लगा होता है, तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर आसानी से। ये देखो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, देखो आ रहा ना धीरे धीरे बाहर, ये देखो। अगर मैं इसमें ज़्यादा चोड़ तोड़ करूँगा ना टूट जाएगा। अब ये हमारा पूरा बक्कल बाहर आ गया इस तरीके से। अब ये देख रहे हो इसके अंदर है हमारा ऑयल फिल्टर, सॉरी पेट्रोल फिल्टर। अब ये पेट्रोल फिल्टर जो है हमारा कुछ इस तरीके से बाहर आ जाता है, ये पेट्रोल फिल्टर है और ये इसकी रिंग है और ये हमारा पूरा तामझाम है इस तरीके से। और ये हमें क्या करना है, चेंज करना होता है जब ये गंदा हो जाता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया ये चीज़, और इसकी याद रखें इसके पीछे भी एक रिंग होती है छोटी सी, इस पर भी ध्यान देना, जो कि रिंग इसमें जा चुकी है, ठीक है, वो रिंग इसमें चली गई है, ठीक है ना, तो उसका भी आपको ध्यान देना है। तो कुछ इस तरीके से लगता है। अब इस ऑयल फिल्टर को हम बाहर निकालेंगे, नया डालोगे ना आप तो नया मेरे ख्याल से 200 रुपये के आसपास का ये आता है पेट्रोल फिल्टर। तो ये जो ऑयल पेट्रोल फिल्टर है एक तरह से, मैं इसको बार बार ऑयल फिल्टर बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोनाउंस हो रहा है बार बार, क्योंकि हम चेंज करते रहते हैं ना गाड़ी में ऑयल फिल्टर, इसीलिए। तो ये पेट्रोल जो फिल्टर है ये 200 रुपये के आसपास का आता है होंडा का। आपकी अगर बाइक जो है मिसिंग कर रही है
या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मान के चलो पेट्रोल में झटके लेना, फ्यूल पंप का प्रॉपर वर्क ना करना, झटके लेके मिसिंग करना या गर्म होने के बंद हो जाना, तो ये समस्या इसमें आ सकती है। पेट्रोल की सप्लाई ये फिल्टर जो है स्लो कर देता है अगर इसमें कचरा डस्ट आ जाता है तो अभी इसके अंदर इतना डस्ट वगैरह नहीं है, तो इस रिंग को मैं बाहर निकाल लूँगा। और ये जो रिंग है हमारी, ये जो पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आप पिन देख रहे हो, ये छोटी सी पिन जो है ये वाली पिन, और इसमें कोने में एक पिन दिख रही है, ये वाली कोने में पिन, इस पिन को इस तरीके से अटैच करना है ताकि आप इसको उल्टा ना लगा दो। तो सबसे पहले मैं इसमें एयर वगैरह लगा लेता हूँ और एयर लगा के इसे क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसके ऊपर उंगली लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है, और उंगली लगाने के बाद इसे क्लीन करेंगे। और ये फर्स्ट क्लास एकदम क्लीन हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए देख लो ये कितना क्लीन हो चुका है। तो ये जो क्लीन हुआ है, अब इसके अंदर हम लगाएंगे पेट्रोल फिल्टर। तो ये जो पेट्रोल फिल्टर है इसमें भी हम थोड़ी सी एयर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो रखा है। अब ये हमने एयर गन ली, देखो यार किसी भी वक्तों पे ना एयर गन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हल्का सा ये लिया और कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया। मैं थोड़ा पास आके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये हमारा ऑयल पेट्रोल फिल्टर है, और ये हमने कुछ इस तरीके से ये देखो, और थोड़ा सा बाहर से भी हमने साफ कर दिया। अब ये हमारा पेट्रोल फिल्टर एकदम क्लीन हो चुका है। वैसे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, बट यार ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसे क्या ही चेंज करूँ, बस इसे थोड़ा साफ़ करना था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और अगर आपकी गाड़ी में कोई मिसिंग की बंद होने की समस्या आ रही है तो आप उसको चेंज करा सकते हो अगर आपको लगता है तो। बट आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको रिंग दिख रही होगी ये वाली छोटी सी, आपको ये देखो रिंग दिख रही हो, ये रिंग देख रहे हो। तो ये जो रिंग होती है इसका आपको खासकर ध्यान देना है, ये अंदर ना घुस जाए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा इसको हल्का सा इस तरीके से किनारे पर लगा देना है ताकि आपको आसानी से फिट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरीके से मैं लगा दिया, ठीक है ना, ये अंदर ना घुस जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा। तो अभी हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको अंदर नहीं लगाना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, इस रिंग को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरीके से इसमें लगा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड, पहले मैं लगा देता हूँ, ये देखो अभी मैंने रिंग क्या करी, मैंने यहाँ लगा दिया रिंग, ठीक है, ये देखो रिंग अंदर लगी ना, ये देखो ये मैंने ये इस तरीके से लगा दिया। तो देखो ये रिंग मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से लगा दिया। अब जो ऑयल फिल्टर है एकदम कटाक से पुरुक से अंदर जाएगा, पुरुक, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पेट्रोल फिल्टर को, बार बार ऑयल फिल्टर बोल रहा हूँ, पेट्रोल फिल्टर को मैं इसको इस तरीके से ये इन कर देता हूँ, और ये हमारा हल्का सा एकदम पुड़ुक आवाज़ आएगी, पुड़ुक आ गई आवाज़, ये देखो अंदर चले गया। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि हमारा पेट्रोल फिल्टर अंदर नहीं गया है, तो इसकी जो सतह देख रहे हो ये अंदर से बाहर रहेगा और ये एकदम सरफेस में बराबर रहेगा। अगर आपका ये पेट्रोल फिल्टर अंदर प्रॉपर चलेगा तो सरफेस के अंदर चले जाएगा, ऐसे जब हाथ पे लोगे ना आप तो ऑयल फिल्टर आपका जो पेट्रोल फिल्टर है टच नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर अंदर चले गया है। तो अभी हम इसके ऊपर कवर लगा देते हैं। कवर लगाने के लिए वही सिंपल हमें स्टेप फॉलो करना है, और ये जो रिंग है आप देख रहे हो ये वाली रिंग, ये हमें इस वाले पर नहीं लगानी है, ये हमें कुछ इस तरीके से इस पर लगा देनी है। ये हमारा इस तरीके से लग गया, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाई है मैंने रिंग। ये आप कॉलर देख रहे हो सामने, कॉलर, ये जो कॉलर आप देख रहे हो ये वाला कॉलर, इस कॉलर पे रिंग अटैच होगी, ना कि यहाँ अंदर होगी, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये हमने इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया सेट, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट से इसको उस जॉइंट के हिसाब से इसे फिट कर देते हैं। तो ये हमारा एकदम सिंपल वे में अंदर चले गया, ये देखिए। अब यहाँ पर हमें ये एकदम पड़ाक से आ जाएगी, आ गई ना आवाज़, ये देखो अब यहाँ से भी आ जाएगी, ये देखो यहाँ से भी आएगी, ये देखो। अब ये हमारा पेट्रोल फिल्टर लग चुका है, सेट हो चुका है, और ये जो फ्यूल पंप है ये प्रॉपर वे में हमारा सही हो चुका है। तो अभी मैंने इतना काम किया है। अगर आपको लगता है इस वीडियो के अंदर आपको फ्यूल पंप की फिल्टर जो होता है उसे क्लीन करना आ गया है तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको लगता है आपके फ्यूल पंप में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इसको मतलब रिपेयर भी करा सकते हो, ये इजीली रिपेयर हो जाता है। इसके अंदर सिंपल एक मोटर होती है और उस मोटर में से तीन तार निकले होते हैं जो कि यहाँ कनेक्ट होते हैं इसके अंदर, ये देख लो इसके अंदर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो तार होते हैं ये मोटर के ECU में गए होते हैं, उसके बाद हमारी मोटर काम करती है। वही सिंपल जैसे हमारे घर के अंदर एक
सिंटैक्स में भरने के लिए नीचे मोटर लगी होती है, हम बटन दबाते हैं, पेट्रोल जो नीचे पानी का जो फिल्टर होता है, मतलब टैंक जो होता है, उसका पानी हमारे टंकी में ऊपर जाता है मोटर के ज़रिए। ऐसे ये होता है इसके अंदर। ये गाड़ी एक ऐसी खास गाड़ी है होंडा वालों की जो मुझे बहुत पसंद है। मैं सही बताऊँ तो इसका एक नेगेटिव और एक प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कोई भी चोर आराम से पेट्रोल चोरी कर सकता है इजी वे में, और पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये बाइक 150 से 200 ग्राम पेट्रोल में भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो और चला सकते हो। इसमें 3 लीटर पेट्रोल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। होंडा वालों ने ये चीज़ बहुत बढ़िया दी है कि ऑयल जो फ्यूल फिल्टर मतलब फ्यूल पंप जो होता है वो टंकी में ना देकर उन्होंने टंकी के बाहर दे रखा है, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यही एक गाड़ी है जो सबसे कम इसके फ्यूल पंप में या मिसिंग में दिक्कत आती है। वैसे सबसे ज़्यादा हीरो की गाड़ी में दिक्कत आती है, मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। इसके अंदर जो मैंने काम किया इसमें टोटल खर्चा 350 रुपये के आसपास का आता है टोटल, लेबर चार्ज की बता रहा हूँ मैं, 350-400 रुपये आता है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से कौन सी लेबर आप फाइंड करते हो, मतलब लेते हो, चार्ज करते हो अपने जो क्लाइंट होता है उनसे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।